हेलो गाइस, वेलकम है आपका सैनवी की तो जैन में। सो गाइस, आप सबको तो पता ही है कि स्नैपी गर्ल यानी कि सपना दीदी के साथ में कितना क्या कर सकते हैं। भगवान के आगे किसी की भी नहीं चलती है। हेलो गाइस, वेलकम है आपका सैनवी की तो जैन में। सो गाइस, आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस, आज है मेरे मतलब हिमांशु के भाई का बर्थडे, मतलब मेरे भांजे का बर्थडे है आज। सो गाइस, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा मैं उनका ब्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। वैसे वहाँ किसी को नहीं पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, चुपके से या जैसे भी होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉगिंग करने की कोशिश करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गाइस चलिए मिलते हैं वहाँ बर्थडे में। घर पे ही छोटी मोटी सी पार्टी है, सब लोग वहीं पर आएंगे और जितना होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस अपना सपोर्ट मेरे चैनल पर बना के रखिएगा। गाइस हिमांशु के भाई का है बर्थडे, जिसके लिए हिमांशु कार्ड बना रहा है। ये देखिए, हैप्पी बर्थडे कार्ड बना रहा है हिमांशु। और जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हिमांशु ने कैसा कार्ड बनाया है। बहू थोड़ा सा दिखा दे, थोड़ा सा दिखा दे। ये देखिए गाइस, जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हिमांशु ने कैसा कार्ड बनाया। मेरी पूजा वगैरह तो हो गई, आज खाना वगैरह तो सब वहीं पर। बस मैं सोच रही हूँ कान्हा जी को भोग लगा दूँ तो क्या बनाया जाए, क्या बनाऊँ मैं भोग में। मैं देखती हूँ कुछ मिल जाए तो। मैं सोच रही हूँ जवा बना दूँ कान्हा जी के लिए। सो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में, तो थोड़ा सा मन उदास है। आप सबको तो पता ही है कि स्नैपी गर्ल यानी कि सपना दीदी के साथ में कितना बुरा हादसा हो ही गया है, हम सबको ही पता है। बस भगवान उनको इस दुख से बाहर निकालने की हिम्मत दे। सच में इतना बुरा हुआ है ना उनके साथ में कि हम बस इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मेरा तो पूरा ध्यान, जैसे ही मैं काम से फ्री होती हूँ, बस वहीं दिमाग चला जाता है कि पता नहीं सपना दी कैसी होंगी, किस हाल में होंगी, कैसे वो अपने आप को संभाल रही होंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी किया भगवान ने, सच में बहुत बुरा किया उनके साथ में। क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं कि आप सबको पता ही है कि जब एक हस्बैंड उनके गए थे तो कितने बुरी तरह से वो टूट चुकी थी। हमने सारी वीडियोस उनकी देखी हैं। मुश्किल से तो उनके जीवन में एक खुशी लौटी थी फिर से। उन्होंने अपने आप को फैमिली के लिए वो हंसती थी, बोलती थी। ये तो होता है कि भूलता तो देखो कोई भी नहीं है, हम सबको भी पता है। लेकिन उन्होंने फैमिली के लिए हंसना, बोलना, सबके साथ में बस सबको खुश रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी। राजवीर भैया भी सबको बस यही चाहते थे, वो भी कि सब खुश रहें और बस सूरज भैया को कोई मिस ना करें। लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसी की भी नहीं चलती है। बहुत बुरा हुआ है सच में उनके साथ में। और मुझे तो सच में, मैं तो दिमाग से निकल ही नहीं पाती है कि पता नहीं किस हाल में होंगी, कैसे होंगी। सो गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि मुझे दीदी के घर पे भी जाना है और इधर मेरे चवे बन गए हैं। मैं गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ।